आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का सेकेंड चैप्टर, ठीक है, जिसमें इसका पार्ट फर्स्ट ही है। इसमें आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर का नाम है फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण, ठीक है। इसका सबसे पहला टॉपिक है कि सिस्टम ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, फोर्स की बातें करेंगे तो सबसे पहले टॉपिक है सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कहा गया सिस्टम ऑफ फोर्स होता क्या है, तो कहा गया है कि बलों के विभिन्न समूह, जो फोर्स है डिफरेंट टाइप ग्रुप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब बलों के विभिन्न प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं, बल लिखाया जाता है, ठीक है। बलों के विभिन्न प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं, बल लिखाया। ये दो प्रकार के होते हैं, हम ज्यादा से दो प्रकार के पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें होता है संगामी बल, होते तो ऐसे अच्छे हैं लेकिन हम फिलहाल भी कितना पढ़ेंगे, दो। तो इसमें दो चीज, जो दो में सबसे पहला संगामी बल, ठीक है। संगामी बल क्या होता है कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संगामी बल का कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि असंगामी बल। दूसरा असंगामी बल क्या होता है कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती उसे हम क्या कहते हैं, असंगामी बल कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बल क्या हो गए। अब आगे इसके परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, यदि किसी पिंड पर कार्य एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई पिंड है, ठीक है, कोई पॉइंट ओ है ना, बात करते हैं कोई पॉइंट ओ हो, ठीक है, और उस पर कई बल कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी बलों के प्रभाव के जोड़ के बराबर एक बल परिणामी बल कहलाता है। सपोज पॉइंट ओ पे दो बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, दो फोर्स कार्य कर रहे हैं पी और क्यू। इस बल का अगर समांतर चतुर्भुज बना देते हैं इसका, तो इसका जो बल होगा, इस बलों का जोड़, मतलब पी प्लस क्यू को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है परिणामी बल, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। अगला क्या है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसमें कहा गया है किसी कण पर कार्य कर रहे करने वाले दो संगामी बलों, किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए, ठीक है। मतलब किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बल, किसी कण मतलब पॉइंट ओ पर काम करने वाले दो संगामी बलों को, संगामी बल हमारा हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, ठीक है। कहा है दो संगामी बलों के यदि एक समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज मतलब क्या करेंगे, इसको यहाँ से लाएंगे ऐसे, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा, दो आसन्न भुजा P और Q व्यक्त किया जाए, तो उसका परिणामी मान तथा दिशा में, उसका परिणामी मतलब आर, परिणामी मतलब आर, आर, ठीक है। मान तथा दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होगा। इसका विकर्ण, विकर्ण मतलब इस लाइन में क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ लाएंगे और इसको ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है, दोनों से मिल गई तो इसका नॉमिनेट कर देते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है, और हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे पॉइंट अगर एम ओ दो, ठीक है। तब क्या कहा है कि यहाँ से एक एंगल दो एंगल मिल जा रहा है, टोटल पूरा एंगल मिलेगा, तो जो पूरा एंगल रहेगा हम उसको क्या कहेंगे, थीटा एंगल, क्या कहेंगे, थीटा। फिर उसके बाद अगला जो मिलेगा हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा एंगल, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, बीटा एंगल, ठीक। आगे चलते हैं, फिर ये भी टोटल एंगल मिल जाएगा तो ये भी हो जाएगा थीटा एंगल, ठीक है। फिर अब यहाँ पर लिखेंगे ये वाला जो यहाँ से आ तक होगा, ये एस एन की दूरी होगी क्यू कॉस थीटा, क्या होगा, क्यू कॉस थीटा, लेकिन ये वाली यानी एम से सी तक की दूरी जो है ये कहलाएगी क्यू साइन
थीटा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, क्यू साइन थीटा। अच्छा आगे चलते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू फिगर देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर अगर देखते हैं, इसको मैं क्या होता हूँ यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, हम पढ़ रहे समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने इसको मिटा दिया। तो अगर हम एंगल लेते हैं तो एंगल ओ सी एम में बन ले, एंगल त्रिभुज ओ सी एम में बन ले, तब कहा गया है कि ये क्या है, अगर ओ सी एम ये समकोण है, ठीक है, ये क्या है, समकोण, ये क्या है, ये सम मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा अगर हम लेते हैं ओ सी, लेते हैं ओ और सी लेते हैं, तो ये विकर्ण है, यहाँ पे देखिए ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी एम, ओ एम प्लस सी एम का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ एम प्लस सी एम का स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, इसको हम लिखेंगे कि ओ ए, ब्रैकेट में लिखेंगे ओ और ए प्लस ए और यम, क्योंकि जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, क्योंकि ओ एम में है, सॉरी सी एम और ओ एम है, तो ओ एम के दो पार्ट हो गए, ओ एम में ओ ए प्लस ए एम होल स्क्वायर, ठीक, प्लस सी एम का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, सी एम का स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, तो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर और प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ ए, टू इंटू ओ ए सी एम का स्क्वायर है, टू इंटू ओ ए इंटू ए एम प्लस सी एम का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको फिर अगर अकॉर्डिंग टू रूल देते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर प्लस टू प्लस टू इंटू ओ ए इंटू ए एम, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एंगल बी ओ ए से लेते हैं, फिक्स कर अगर एंगल बी ओ ए से कर लेंगे तब क्या होगा, एंगल बी ओ ए देख लीजिए, बी ओ ए क्या एंगल है, थीटा, क्या एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक। फिर आगे चलते हैं, अगर एंगल सी ए एम से कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, थीटा, क्योंकि देखिए ना सी ए एम का भी एंगल क्या है, थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एम अपन ए सी, देखिए ए एम अपन ए सी, यहाँ से लिखिए जब यहाँ जाएगा ए एम अपन ए सी इक्वल टू क्या दिया है, ए एम अपन ए सी इक्वल टू क्या दिया है, साइन थीटा, ए एम अपन ए सी इक्वल टू साइन थीटा। और वहीं पर अगर देखा जाए कि अगर हम इसको ए एम को हटा देते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ए एम इक्वल टू लिखते हैं, ए एम इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा, ठीक। फिर आ जाते हैं दूसरे पार्ट, इसमें जो दूसरी लाइन है वो है सी एम अपन ए सी, सी एम अपन ए सी, सी एम अपन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ गया, ठीक है, यहाँ से फिर समझ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए एम अपन ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी अगला हो जाएगा ए सी ए एम एम इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा कि दूसरा जाएगा सी एम अपन ए सी, सी एम अपन ए सी इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, जब साइन थीटा हो जाएगा तो फिर इक्वल टू अगर हम सी एम इक्वल टू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, तो समीकरण एक में ए एम का सी एम का मान लिखना होगा, ठीक है, समीकरण एक में, समीकरण एक में ए एम तथा सी एम का मान लिखना होगा, ठीक। समीकरण जो एक है इसमें ए एम और सी एम का वैल्यू जो रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ लिखेंगे ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे
ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओए का स्क्वायर, ओए का स्क्वायर प्लस एसी का एसी स्क्वायर कॉस थीटा, एसी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एसी स्क्वायर साइन थीटा ठीक प्लस एसी स्क्वायर कॉस का प्लस यहाँ प्लस टू इंटू ओ ए इंटू ए यंग ठीक है। फिर आगे चलते हैं यहाँ से इसको तोड़ते रहे तो फिर मिलेगा ओ ए क्योंकि क्रॉस हो जाएगा कहीं ना कहीं ठीक है। यहाँ क्या करेंगे क्योंकि ओ ए बचे रहता है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर ए सी कॉमन कर दिए हैं दोनों में से तो इसको हो जाएगा क्रॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ओ ए इंटू ए एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं ए सी कॉस थीटा तो ओ ए इंटू ए सी कॉस थीटा इतनी वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे चलते हैं यहाँ देखिए ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ ए प्लस ए सी कॉस थीटा ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर एक हो तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है ठीक है। तब अगर लेकर चलेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो बचा ही गया ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो गया ठीक है। अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर अगर चलते हैं तो OC बराबर R O और C बराबर क्या है R OC बराबर R ठीक है। फिर उसके बाद OA O और A बराबर P O A बराबर P ठीक। फिर अगर चलते हैं तो मिलेगा हमें क्या OB OB लेते हैं कामा OB लेते हैं क्या हो जाएगा Q ठीक। और अगर ए सी भी लेते हैं बराबर ए सी भी हो जाएगा क्लियर। ये तीनों चीज हो जाएंगी तब समीकरण चार से हम इसको कितना मानेंगे कहाँ के लिए इक्वेशन फोर्थ यह हमारा इक्वेशन सेकेंड था यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड से ठीक है। जब इक्वेशन सेकेंड से लेंगे तो क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर मतलब हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA प्लस O OA इंटू AC ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल जाएगी ठीक cos थीटा AC cos थीटा ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अगर हम इसको मेन वैल्यूज की रखते हैं यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा ये हमारी मिल जाएगी वैल्यू। अगर हम इसको रूट में रखते हैं तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा ठीक है। ये हमारी आ गई वैल्यू मतलब इस फॉर्मूले से हैं हम क्या निकाल सकते हैं परिणामी क्या निकाल सकते हैं परिणामी ठीक है। अब इसमें एक और टॉपिक था कि अगर इसमें डायरेक्शन भी निकालना हो ठीक है तब कैसे निकालेंगे ठीक। अगर इसमें हम डायरेक्शन भी निकालें तो कैसे निकालेंगे तो हम इसको जैसे यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं या फिर यही बता देते हैं कि अगर परिणामी या दिशा ज्ञात करना हो ठीक है। अगर यहाँ पर निकालें कि परिणामी दिशा ज्ञात करना है डायरेक्शन रिजल्टेड ठीक है यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन रिजल्टेड ठीक है। डायरेक्शन रिजल्टेड निकालना हो तब यहाँ क्या होगा ओ सी एम लेंगे ओ सी एम क्या ले रहे हैं एंगल ओ सी एम इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है टेन ओ सी एम लेंगे तो टेन अल्फा मिल जाएगा क्या मिल जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू सी एम अपन ओ एम यहाँ पे लेंगे तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू सी एम अपान ओ एम सी एम अपान ओ
एम इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, सी एम प्लस ओए प्लस ए। सी एम अपान ओए किसके बराबर है, ओएम है, ओए के बराबर ओए प्लस ओएम, ओए प्लस ओएम, ठीक है। सी एम ओ ए प्लस ए एम, ठीक, इतना समझ में। फिर इस समीकरण को, इस समीकरण में ए तथा सी एम का मान रख देते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, ए एम तथा सी एम की वैल्यू जब रखेंगे तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा क्या, कि एसी साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी एम की वैल्यू, सी एम की वैल्यू क्या है, सी एम की वैल्यू एसी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा अपान क्या मिल जाएगा हमें, ओ ए प्लस ए कॉस थीटा, ओ ए प्लस, ओ ए प्लस, ओ ए प्लस क्या मिल जा रहा हमको, ए सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा मिल गया हमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्यों आया, क्योंकि ए सी बराबर ओ बी बराबर क्यू, ए सी बराबर ओ बी बराबर क्यू, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिख रहे हैं कि ए सी बराबर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए सी बराबर ओ बी बराबर क्यू, क्योंकि ए सी बराबर ओ बी बराबर क्यू, ठीक है। और एक किसी को माना, तथा ओ ए बराबर पी, तथा अगर ओ ए बराबर पी होता है तब, तब हमें क्या मिलेगा, तब टेन अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपान ओ ए है, तो ओ ए की वैल्यू क्या है, पी है, पी है ना, पी प्लस, ठीक, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका रिजल्टेन निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे हम इसका, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ये अगले पार्ट इतना देख लीजिए आप।